क्रोष्टकी ने कहा, भगवान आपने स्वारोचिष तथा स्वारोचिष के जन्म एवं चरित्र का सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। आप संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाली पद्मिनी विद्या के अधीन जो जो निधियां हैं उनका विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। तो मार्कंडेय जी बोले, भ्रमण पद्मिनी नाम की जो विद्या है उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी हैं। वे संपूर्ण निधियों की आधार हैं। पदम, महापदम, मकर, कच्छप, मुकुंद, नंदक, नील तथा शंख, ये आठ निधियां हैं। देवताओं की कृपा तथा साधु महात्माओं की सेवा से प्रसन्न होकर जब ये निधियां कृपा दृष्टि करती हैं तो मनुष्य को सदा धन प्राप्त होता है। अब इनके स्वरूप का वर्णन सुनो। पदम नामक जो प्रथम निधि है वे सत्वगुण का आधार है। उसके प्रभाव से मनुष्य सोने, चांदी तथा तांबे आदि वस्तुओं का अधिक मात्रा में संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। इतना ही नहीं, वह यज्ञों का अनुष्ठान करता है, दक्षिणा देता है तथा सभा मंडप एवं देव मंदिर बनवाता है। महापदम नाम की जो दूसरी निधि है वह भी सात्विक है। उसके आश्रित मनुष्य में सत्व गुण की प्रधानता होती है। वे पदम राग आदि मणि, मोती और मूंगा आदि का संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है, योगी पुरुषों को दान देता है और उनके लिए आश्रम बनवाता है तथा स्वयं भी उन्हीं के स्वभाव का हो जाता है। उसके पुत्र पौत्र आदि भी उसी स्वभाव के होते हैं। महापदम निधि मनुष्य की सात पीढ़ियों तक उसका त्याग नहीं करती है। मकर नाम की तीसरी निधि तमोगुणी होती है। उसकी दृष्टि पड़ने पर सुशील मनुष्य भी प्रायः तमोगुणी बन जाता है। वह बाण, खड़ग, ऋषिति, धनुष, ढाल तथा दंशन करने वाली वस्तुओं का संग्रह करता है। राजाओं के साथ मैत्री जोड़ता है। शूर से जीव का चलाने वाला क्षत्रियों तथा उनके प्रेमियों को धन देता है। अस्त्र शस्त्रों के सिवा और किसी वस्तु के क्रय विक्रय में उसका मन नहीं लगता। ये निधि एक ही मनुष्य तक सीमित रहती है, उसके पुत्रों का साथ नहीं देती। वह मनुष्य धन के कारण लुटेरों के हाथ से अथवा संग्राम में मारा जाता है। कच्छप नाम की जो विधि है, निधि है, उसकी दृष्टि पड़ने पर भी मनुष्य में तमोगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि वह भी तामसी निधि है। वह मनुष्य सब व्यवहार पुण्य आत्माओं के साथ ही करता है, किंतु किसी पर विश्वास नहीं करता। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार वह सब ओर से रत्नों का संग्रह करके उसकी रक्षा के लिए व्याकुल रहता है। धन के नष्ट हो जाने के भय से ना तो वह दान करता है और ना उसे अपने उपभोग में ही लाता है, अपितु उसे पृथ्वी में गाड़ कर रखता है। वह निधि भी एक ही पीढ़ी तक ही रहती है। मुकुंद नाम की जो पांचवी निधि है वह रजोगुणमयी है। उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य रजोगुणी होता है और वीणा, वेणु एवं मृदंग आदि वाद्यों का संग्रह करता है। वह गाने और नाचने वालों को ही धन देता है और सूत, बंदी, धूर्त एवं नट आदि को प्रतिदिन भोग की वस्तुएं अर्पित करता है। यह निधि भी एक ही मनुष्य तक रह जाती है। इससे भिन्न जो नंद नाम की महानिधि है वह रजोगुण और तमोगुण दोनों से संयुक्त है। उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य अधिक जड़ता को प्राप्त होता है। वह समस्त धातुओं, रत्नों और पवित्र धान्य आदि का संग्रह तथा क्रय विक्रय करता है। महामिने, वह मनुष्य स्वजनों तथा घर पर आए हुए अतिथियों का आधार होता है, परंतु अपमान की थोड़ी सी भी बात नहीं सहन करता। जब कोई उसकी स्तुति करता है तब वह बहुत प्रसन्न होता है। स्तुति करने वाला याचक जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे देता है। उसका स्वभाव कोमल बन जाता है। उसके बहुत सी स्त्रियां होती हैं जो संतानवती और अत्यंत सुंदर होती हैं। नंद नामक निधि आठ भाग से
बढ़ते बढ़ते 7 पीढ़ी तक मनुष्य का साथ देती है। वह 7 पुरुषों को दीर्घायु बनाती है और दूर से आए हुए बंधु बांधों का भरण पोषण करती है, पर लोक के प्रति उसके हृदय में आदर नहीं होता। इस निधि को पाया हुआ पुरुष सहवासियों पर स्नेह नहीं रखता, पहले के मित्रों से उदासीन हो जाता है और दूसरों से प्रेम करता है। इसी प्रकार जो महानिधि सत्वगुण और रजोगुण दोनों को साथ साथ धारण करती है, उसका नाम नील है। उसके संपर्क में आने वाला पुरुष भी सत्वगुण एवं रजोगुण से युक्त होता है। वह वस्त्र, कपास, धान्य, फल, फूल, मोती, मूंगा, शंख, सीपी, काष्ठ तथा जल में पैदा होने वाले अन्यान वस्तुओं का संग्रह एवं क्रय विक्रय करता है। वे मनुष्य तालाब और बावली बनवाता है, बगीचे लगवाता है, नदियों पर पुल बंधवाता है तथा अच्छे अच्छे वृक्षों को रोपता है, चंदन और फूल आदि भोगों का उपभोग करके ख्याति लाभ करता है। ये नील निधि 3 पीढ़ियों तक चलती है। शंख नाम की जो 8वीं निधि है वह रजोगुण और तमोगुण से युक्त होती है तथा अपने स्वामी को भी ऐसे ही गुणों से युक्त बना देती है। ब्रह्मन, ये निधि एक ही पुरुष तक सीमित रहती है, दूसरे को नहीं मिलती। जिसके पास शंख नामक निधि होती है उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। वे अपने कमाए हुए अन्न और वस्त्र का अकेला ही उपभोग करता है। उसके कुटुंबी लोग खराब अन्न खाते हैं, उन्हें पहनने को अच्छे वस्त्र नहीं मिलते। शंख निधि से युक्त मनुष्य सदा अपना ही पेट पालने में लगा रहता है। मित्र, भार्या, भ्राता, पुत्र तथा वधु आदि को कुछ भी नहीं देता। इस प्रकार ये निधियां मनुष्यों के अर्थ की अधिष्ठात्री देवी कहलाती हैं। जिस निधि का जैसा स्वभाव बताया गया है उसकी दृष्टि पड़ने पर मनुष्य वैसे ही स्वभाव का हो जाता है। पद्मिनी नाम की विद्या इन सब निधियों की स्वामिनी है। ये साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है।